नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। इसके अंदर हम तीन टॉपिक होते हैं, एक परेटो प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग में, अवॉइड करें हम टेस्टिंग को कौन अवॉइड करेगा, और इकोनॉमिक ऑफ टेस्टिंग क्या है बेसिकली। परेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है? परेटो प्रिंसिपल बोलता है कि हमारी टेस्टिंग इतनी कंप्लीट सफिशिएंट होनी चाहिए कि हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर 80% बग निकाल सकें और 20% हमारे प्रोडक्ट के कंपोनेंट हो सकते हैं, सो कैन बी अवॉइडेबल एज वेल। सो परेटो प्रिंसिपल आप रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। ये इसमें क्या होता है कि आप 100% परफेक्शन की बजाय आप 80% परफेक्शन फॉलो कर पाते हो, सो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रहने वाली है, आपका सॉफ्टवेयर आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ चलेगी। सो इसलिए आप मैं फॉलो बोलता हूँ कि आपका रियल लाइफ में भी इसको फॉलो करो और टेस्टिंग में तो हम करते ही है फॉलो। अगला है अवॉइड टेस्टिंग। सो अवॉइड टेस्टिंग क्या है बेसिकली? हम इसके अंदर चाहते हैं कि प्रोग्रामर जो डेवलपर है उसका टाइम कंज्यूम कम हो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए एक अलग फेज दिया गया है जिसके अंदर हम कोड को ऑलरेडी एग्जीक्यूट करने वाले अलग अलग इनपुट देने के बाद, तो हम डेवलपर को बोलते हैं कि आप टेस्टिंग ना करो, हम खुद टेस्टिंग करेंगे और आप कोडिंग बग निकालेंगे प्रोडक्शन से पहले पहले। सो बेसिकली प्रोग्रामर शुड अवॉइड टेस्टिंग। सो ये हमारा प्रिंसिपल होता है टेस्टिंग का भी एक, और एक होता है इकोनॉमिक ऑफ टेस्टिंग। इकोनॉमिक ऑफ टेस्टिंग के अंदर क्या होता है बेसिकली, हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं, चाहे उसकी वो लिमिटिंग कॉस्ट हो चाहे उसकी वो डेरिवेटिव कॉस्ट हो। सो लिमिटिंग कॉस्ट क्या होती है बेसिकली, कि कितना कॉस्ट एस्टिमेशन आने वाले है, कितने यूजर्स लगेंगे, वो सब एक लिमिट सेट की जाती है और एक उसके अकॉर्डिंगली हम टेस्टर्स की नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट बताते हैं। एक और होता है जिसको बोलते हैं हम ड्राइविंग कॉस्ट। सो ड्राइविंग कॉस्ट में क्या होता है कि जो हम टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा आ रहा है। मान लो कोई एक कोड है, कोड को एग्जीक्यूट करने में लगभग 10 बंदे चाहिए होंगे, तो उनके लिए 10 रिसोर्सेज का यूज़ करने के ऊपर कॉस्ट लगेगी। सो वो एक ड्राइविंग कॉस्ट है कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की। सो ये सब प्रिंसिपल होते हैं टेस्टिंग को प्रोसीड करने के। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ टेस्टिंग एंड अ गुड टेस्टर्स, के गुड टेस्टर होते क्या है। साइकोलॉजी का मतलब है कि माइंडसेट क्या होता है टेस्टिंग का, कि टेस्टिंग जब हम कर रहे हैं तो उसकी माइंडसेट क्या होने वाला है टेस्टिंग का। सो पहला टेस्टिंग का माइंडसेट होता है कि डिफेक्ट इंजीनियर्स परस्यू डिफेक्ट। डिफेक्ट जो टेस्ट इंजीनियर्स होते हैं ना, वो डिफेक्ट ढूंढते हैं, ना कि पर्सन के अंदर डिफेक्ट ढूंढते हैं। दोनों में फ़र्क है, सॉफ्टवेयर के अंदर डिफेक्ट ढूंढना और पर्सन के अंदर डिफेक्ट ढूंढने में। जैसे कि आप खुद ही समझते हो आप इतने समझदार हो। सो डू नॉट अज्यूम दैट देयर इज़ अ नो एरर। कभी भी हम कोई भी टेस्टर जो होता है वो कभी भी नहीं सोचता कि इस प्रोडक्ट में सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी एरर है, नहीं है। हमेशा वो बोलते हैं एज पर द टेस्टिंग रिपोर्ट्स कि हाँ अब इस प्रोडक्ट के अंदर एरर नहीं है। सो दिस इज़ द फ्लो वी आर गोइंग टू डू। सो हम टेस्टर्स के अंदर जो साइकोलॉजी हमेशा वो दो तरीके से चलती है, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। पॉजिटिव साइड को हम वैलिड इनपुट्स बोलते हैं और जो नेगेटिव साइड है उसको हम इनवैलिड इनपुट बोलते हैं। सो हम वो भी टेस्ट करेंगे जब वैलिड इनपुट देने के बाद, हम वो भी टेस्ट करेंगे इनवैलिड इनपुट देने के बाद कि हमारा जो एरर है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं एक एग्जांपल लेकर को समझा सकता हूँ। मान लो एक लॉगिन फंक्शनैलिटी वाला पेज है, उसके अंदर अगर मैं करेक्ट यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड डालता हूँ तो हमारा वो एक वैलिड इनपुट रहेगा, तो हम चाहते हैं कि हमारा लॉगिन हो जाए। लेकिन अगर मान लो मैं यूजर नेम गलत डालता हूँ और पासवर्ड सही डालता हूँ तो क्या वो लॉगिन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो हमारा ये एक इनवैलिड इनपुट हुआ। इसके अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा जो एरर है वो करेक्ट आए, कि एरर आना चाहिए एंटर करेक्ट यूजर नेम समथिंग लाइक दैट। सो ये हम चाहते हैं कि वो हम आए। सो ये भी हम टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग इज़ अ एक्सट्रीमली क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग एक्टिविटी। कभी कभार कोई लोग बोल देते हैं कि टेस्टिंग ऐसे कोई भी कर लेता है, ऐसा नहीं है। टेस्टिंग एक क्रिएटिव बंदा ही कर पाता है और वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उनको अलग अलग इनपुट के थ्रू, अलग अलग थिंक लॉजिकली के थ्रू, इसके तरह हम और एक्टिविटी परफॉर्म करता है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा बग निकाल के अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको स्मूथ वर्किंग बनाता है एंड यूज़र के लिए। तो टेस्टिंग एक चैलेंजिंग एक्टिविटी है। सो अब कोई भी जो टेस्टर होता है वो कौन सा अच्छा होता है, हम कैसे बोल सकते हैं कोई टेस्टर अच्छा है बुरा है इस टाइप से? तो गुड टेस्टर्स की कोई क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्वालिटीज़ इस तरह से लिखी हुई है। पहला, वो एक्सप्लोरर होना चाहिए, उसके अंदर एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। जो आपको सॉफ्टवेयर दे दिया गया है, कुछ भी एप्लीकेशन दे दी गई है, उसको एक्सप्लोर करे, सबसे ज़्यादा उसको रिसर्च करे, उसके बारे में पढ़े, उसके बारे में रिसर्च करे, उसको एग्जीक्यूट कर करके देखे, अलग अलग इनपुट डाल के देखे तो अलग अलग आउटपुट को रिजल्ट करे, उनको एक एक्सेल फाइल के अंदर डिटेल्स में एलेबोरेट करे ताकि, और फिर बाद में उसको अपने लीड्स या फिर मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करे कि मैंने ये टेस्ट किया था। सो एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, उसको हर चीज़ के बारे में सोच सके, वो क्रिएटिव माइंड होना चाहिए।
टेक्टफुल होना चाहिए कि हाँ मैंने इस मान लो 80 टेस्ट केसेस है, मेरे को पहले दिन में इतने करने, अगले दिन में इतने, तो टैक्टिक्स बना के पूरा एग्जीक्यूट, टैक्टफुल नेचर ही अच्छी तरह टेस्टिंग कर पाएगा। गुड जजमेंटल होना चाहिए बिल्कुल। इसके अंदर क्या है बेसिकली कि जो भी टेस्टर है वो गुड जजमेंटल फॉलो कर पाए। इसके अंदर कोई भी उसको जजमेंट लेनी है, कोई भी डिफेक्ट से रिलेटेड, कोई भी एक्टिविटी से रिलेटेड, तो वो जजमेंटल होना चाहिए। उसको मन में ख्याल आना चाहिए कि ये अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, ये ऐसा करूँगा, तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट भी उसको पता होनी चाहिए। अगला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बेस्ट टेस्टर इज नॉट द वन हु फाइंड मोस्ट बग्स और एम्बेरेस द डेवलपर। कोई भी गुड टेस्टर वो नहीं है जो सबसे ज़्यादा बग निकाले, और जो डेवलपर्स हैं, जो अपने डेवलपर्स भी एक तरह से अपने फ्रेंड ही होते हैं, जो पीपल होते हैं, हम उनको एम्बेरेसेस थोड़ा ना करना है कि मैंने भाई 100 बग निकाले, मैंने 200 बग निकाले, तो उससे ऐसे आपके ना हार्मनी खराब होती है। सो तुम्हारा काम टेस्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हें जितने ज़्यादा बग है सॉफ्टवेयर के अंदर उसको फिक्स कराना है, काउंट से मतलब नहीं होना चाहिए तुमको। सो ये सब क्वालिटी अगर आप परसेस करते हो सो आप गुड टेस्टर हो। अगर आप इन सबको फॉलो नहीं कर पाते तो आप एक बैड टेस्टर कहला सकते हो। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टेस्ट केस सूट एंड इट्स साइकिल में डिफरेंसेस क्या है। सो टेस्ट केस क्या होता है, अ सेट ऑफ इनपुट्स, एग्जीक्यूशन कंडीशन एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेवलप फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। सो बेसिकली क्या होता है टेस्ट केस क्या होता है, एक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एक्सेल फाइल या फिर जो हमारा रिपोर्टिंग के लिए जो टूल है टेस्ट केस क्रिएशन के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट TFS हो गया है, जीरा के लिए TM4J हो गया, इस तरह के बहुत सारे टूल्स प्रोवाइडेड किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या कंपनी उनको बाय करती है अपने टेस्ट केस को मैनेज करने के लिए जो उन्होंने लिखे है यूजर ने या टेस्टर्स ने। हम इसके अंदर बेसिकली क्या लिखते हैं, हम इसके अंदर लिखते हैं कि क्या हम इनपुट देने वाले हैं, क्या उसकी एग्जीक्यूशन कंडीशन होने वाली है, क्या हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। ये हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ हमने ऑब्जेक्टिव बनाया। जैसे मैंने बताया था कि टेस्टिंग के लिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि टेस्ट करना हर एक चीज़ को एग्जीक्यूट कर करके देख के कि वो चीज फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है या नहीं कर रही, तो टेस्ट केस एक छोटा कंपोनेंट है जो उसको एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प कराता है, जिसके थ्रू हम फॉलो करते हैं कि हमें कैसे टेस्टिंग प्रोसीड करनी है। सो बेसिकली इसको हम दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं, अ प्लैंड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू फाइंड एरर्स। तो एक प्लान सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है जो हम परफॉर्म करने वाले हैं, किस लिए, एरर्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि मेन रीजन हम टेस्टिंग किस लिए कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन की कोई भी उसके बाद, ताकि हमें बग मिल सके और हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्मूथली वर्क कर सके। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं टेस्ट सूट क्या होता है, अ सेट ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट केसेस या सिनेरियोस दैट आर एग्जीक्यूटेड एज अ पैकेज इन अ सीक्वेंस। इसका अंदर मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो एक लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज के अंदर आपने 17-18 टेस्ट केसेस लिखे, फॉर एग्जांपल कि पहला यूज़र नेम मैंने करेक्ट प्रोवाइड किया, पासवर्ड मैंने करेक्ट प्रोवाइड किया, तो लॉगिन हो जाना चाहिए, ये एक टेस्ट केस है। सेकंड टेस्ट केस, यूज़र नेम मैंने गलत डाला, पासवर्ड मैंने सही डाला, एरर आना चाहिए, ये एक सेकेंड टेस्ट केस है। थर्ड टेस्ट केस, यूज़र नेम सही डाला, पासवर्ड गलत डाला, तो वो एक थर्ड टेस्ट केस हुआ। इसी तरीके से बहुत सारे एन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बना लिए मैंने लॉगिन पेज के। सो उन सब का एक एक्सेल फाइल मैनेज करना टेस्ट सूट कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल, टेस्ट फ्रॉम सूट फ्रॉम होम पेज, लॉगिन पेज एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है जो आपके कंपनी स्पॉन्सर करती है, जो आपकी कंपनी करती है ऑर्गेनाइज, उसको एक टेस्ट सूट कहलाता है टेस्ट केसेस को लिखना। टेस्ट साइकिल क्या होता है, टेस्ट साइकिल होता है कि जो हमने टेस्ट सूट बनाया है बेसिकली, उनको बहुत सारे टेस्ट सूट बनेंगे, जैसे होम पेज का, लॉगिन पेज का, इस तरह से एन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बन गए। तो बेसिकली कर क्या रहा है वो फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहा है आपके सॉफ्टवेयर की। सो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि कौन सा हमको एग्जीक्यूट करना है पहले, दूसरा, इस सब का ना ऑर्डर डिसाइडेड होता है कि कौन सा टेस्ट साइकिल पहले होगा। जैसे इंटीग्रेशन टेस्ट साइकिल हो गया, रिग्रेशन टेस्ट साइकिल हो गया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो इंटीग्रेशन टेस्ट साइकिल, मान लो फेसबुक की हमको टेस्टिंग करनी है फेसबुक के पेज की, सो फेसबुक के अंदर अलग अलग एन नंबर ऑफ पेजेस होंगे, जैसे होम होगा, लॉगिन होगा, कुछ फॉरगेट पासवर्ड, इस टाइप के अलग से नंबर ऑफ पेजेस होंगे, उन सबको कंबाइन करके एक टेस्ट, अलग अलग टेस्ट सूट बन गए। अब उन टेस्ट को सूट को कंबाइन किया मैंने और उनको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और फिर उस चीज को हम इंटीग्रेशन टेस्ट साइकिल बोल रहे हैं। इसी तरीके से एग्रीगेशन टेस्ट साइकिल होगा। आगे मैं आप सबको समझाऊंगा कि इंटीग्रेशन क्या होती है, रिग्रेशन क्या होती है, और ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ टेस्टिंग्स होती हैं, वो हम आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। सो जो हमने टेस्ट सूट साइकिल पढ़ा,
उसको हम मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे मान लो एक टेस्ट केस 1 लिखा मैंने, टेस्ट केस 2 लिखा, टेस्ट केस 3 लिखा, ऐसे बहुत सारे टेस्ट केस लिखे, इन सब के कॉम्बिनेशन को टेस्ट सूट फॉर F1। F1 यहाँ पे क्या है, फंक्शनैलिटी, कोई भी एक n नंबर ऑफ फंक्शनैलिटी। इसी तरह टेस्ट केस 10, टेस्ट केस 11, 12, इस तरह से मैंने बहुत सारे लिखे, तो वो एक टेस्ट सूट बना F2 फंक्शनैलिटी का। और इन सब जब मैं इस टेस्ट सूट को अलग से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो वो क्या लाएगा, इंडिविजुअल टेस्ट साइकिल फॉर F1। लेकिन जब मैं इन सब को होल करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो वो टेस्ट साइकिल कहलाएगा, कुछ भी हो सकता है, रिग्रेशन हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है, तो वो एन नंबर ऑफ हो सकता है। तो इस तरह से टेस्ट साइकिल और टेस्ट सूट और टेस्ट केसेस में डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्टिंग प्रोसेस। इसके अंदर ना बेसिकली क्या, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम टेस्टिंग को ही पढ़ रहे हैं, तो टेस्टिंग का पूरा फ्लो हमें क्या होगा हमें वो पता होना चाहिए। तो इसके अंदर मैं बस ब्रीफली बताऊंगा अभी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे टेस्टिंग के अंदर। जैसे हमारी मैनुअल सेशंस आगे बढ़ेगा तो इनको और ज़्यादा आप समझ पाओगे और रिलेट कर पाओगे रियल लाइफ सिनेरियो से। अभी के लिए मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो सबसे पहले होता है एस्टैब्लिश टेस्ट ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर बड़े बड़े टेस्ट लीड्स वगैरह ये सब मिलके बैठते हैं और मैनेजमेंट के साथ उसके अंदर जो हमें स्कोप में है इस स्प्रिंट के दौरान उनको एक डिफाइन करते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि हमें क्या टेस्ट करना है, क्यों टेस्ट करना है, क्या किस वे में टेस्ट करना है, ये सब पूरे व्हाट व्हाई एंड हाउ इस तरह से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हमको मिलते हैं उनको प्रोवाइडेड करके हम टेस्ट ऑब्जेक्टिव अपना एस्टैब्लिश करते हैं। फिर सेकंड स्टेप होता है डेवलप टेस्ट प्लान। अब हमारे पास हमें पता चल चुका है हमें क्या टेस्ट करना है सो इस स्प्रिंट के दौरान, तो हम एक टेस्ट प्लानिंग करते हैं, इसमें लीड्स वगैरह मिलकर और सीनियर टेस्ट इंजीनियर मिलकर एक टेस्ट प्लान प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर एलोकेशंस वगैरह लिखी होती है कि कौन किसको क्या मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, कितने दिन आपको प्रोवाइडेड किए जाएंगे। इसके अंदर हम एस्टिमेशंस वगैरह इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। सेकंड थर्ड है डिज़ाइन टेस्ट केस। सो डिज़ाइन टेस्ट केस के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एलोकेशंस वगैरह आ चुकी है। जैसे मान लो ए यूज़र लॉगिन फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेगा, बी यूज़र होम पेज को टेस्ट करेगा, सी यूज़र फॉरगेट वाले को टेस्ट करेगा, डी यूज़र कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह जो आ रही है उसको टेस्ट करेगा, ई यूज़र कोई अमाउंट वगैरह जो रिफ्लेक्ट होती है URL पर वो टेस्ट करेगा, एफ यूज़र API की टेस्टिंग करेगा एग्जाम्पल। सो इस तरह से ना एक टेस्ट प्लान प्रिपेयर हो चुका है और उनके अकॉर्डिंगली टाइमली डिफाइन हो चुका है। अब वो जो टेस्टर हैं वो क्या करेगा, टेस्ट केसेस प्रिपेयर करेगा अकॉर्डिंग टू देयर इट्स फंक्शनैलिटी। लेकिन होम पेज के लिए अलग टेस्ट केसेस लिखे जाएंगे, लॉगिन पेज के लिए अलग होंगे, इस टाइप से बहुत सारे एन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लिखे जाएंगे। फिर वो जो है टेस्ट केसेस जो आपने लिखे हैं, ऐसा तो है नहीं करेक्ट होंगे हमेशा, कभी कभार आपको कुछ मिस भी कर सकते हो, तो इसके चक्कर में एक रिव्यू सेशन रखा जाता है। रिव्यू सेशन हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे पीयर टू पीयर रिव्यू होता है, एक है एक बड़े हायर मैनेजमेंट के साथ रिव्यूज होते हैं, तो इस टाइप से अलग अलग रिव्यूज के पार्ट्स भी होते हैं, वो हम और ज़्यादा डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, ये सब हम आगे भी डिटेल में भी पढ़ेंगे। एग्जीक्यूट टेस्ट, अब आपने जो टेस्ट केसेस लिख लिए अब उनको एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि बेसिकली क्या है, हम टेस्टिंग होती क्या है कि एग्जीक्यूट करना टेस्ट केसेस को बार बार, ताकि जितने भी नंबर ऑफ एरर्स है वो निकाल सकें। तो हम इसके अंदर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। वो एग्जीक्यूट करने के बाद एक्सेल की फाइल जो हमने टेस्ट केसेस लिखे थे एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ रिजल्ट हमको मिलेंगे, जैसे कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे, कुछ ब्लॉक्ड होंगे, इस टाइप से उनको एग्जामिन करेंगे, उनको अच्छी तरह इलेबोरेट करेंगे। फिर उसके बाद जो जो फेल हुए केसेस उनके लिए, अब जो फेल हुए हैं, जैसे एक यूज़र नेम मैंने गलत डाला और पासवर्ड सही डाला लेकिन फिर भी लॉगिन हो गया, ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, तो हम उसका एक डिफेक्ट लॉग करेंगे। इस तरह से एक डिफेक्ट लॉगिंग करी जाती है जिसके अंदर जितने भी बग्स आपने रिपोर्ट करे हैं उनको एक जीरा, जो भी आपका अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे जीरा होता है, एक माइस्ट्रो होता है, इस टाइप से बहुत से एन नंबर ऑफ टूल्स होते हैं, हर एक कंपनी का कुछ और हो सकता है, कोई जनरली आजकल जो यूज़ होती है वो जीरा यूज़ होती है, सो यू शुड गो थ्रू दैट। सो डिफेक्ट लॉगिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम डिफेक्ट्स का एक स्टैंडर्ड होता है, वो मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा कि हर डिफेक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं डिफेक्ट्स के अंदर जो हमें डिफाइन करने पड़ते हैं ताकि एंड यूज़र जो डेवलपर है उनको इजीली वो समझ पाए उन चीज़ को। उसके बाद है प्रिपेयरिंग टेस्ट रिपोर्ट्स। सो इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, हम टेस्ट रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं कि कितने टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुए, कितने बग लोग हुए, कौन सा बग किसके साथ एसोसिएट है, उनकी एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करके हम हायर मैनेजमेंट्स और टेक और डेवलपर्स को और जो बड़े बड़े मैनेजमेंट वाले पर्सन होते हैं और जो आपका लीड्स होते हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ये पूरा प्रोसेस होता है टेस्टिंग के अंदर।
तो आप कोई भी अगर टेस्टर हो तो आप इन सब को कुछ ना कुछ फॉलो करते पाओगे। चाहे आप अगर आप मीडियोकर लेवल के हो तो आप इन सब को फॉलो करते पाओगे। अगर आप थोड़े से हायर मैनेजमेंट में हो तो आप डेवलप वगैरह करते पाओगे। अगर उससे ज़्यादा ऊपर हो तो ऑब्जेक्टिव वगैरह डिफाइन करके ये सब पूरा, ये पूरा प्रोसीजर के अंदर आप कहीं ना कहीं इंक्लूड करने वाले हो फ्यूचर में, अगर आप फ्रेशर हो। अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो आप खुद ही रिलेट कर पाओगे कि मैं कौन सी चीज़ को अभी क्या कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा होमवर्क फॉर यू। इसके अंदर क्या है, मैंने एक जावास्क्रिप्ट का एक वो बनाया है पॉपअप, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके अंदर आपका होमवर्क ये है, इसके अंदर जितने भी आपको बग्स दिख रहे हैं वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर एलैबोरेट करने हैं विद पॉइंट्स के कितने नंबर आपको बग्स मिले इसके अंदर, वो मुझे बताइएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पार्ट टू चैप्टर वन कंप्लीट होता है पूरा। अब से हम कल से हम चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस एंड थैंक यू।